ये मेरे कर्मों का ही फल है जो तू भुगत रही है। नहीं पापा, प्लीज आप खुद को। नहीं मौली, जब तक मैं अपनी गलती नहीं सुधारूंगा तो तेरी जिंदगी कैसे संवार पाऊंगा। मुझे अपने मेहंदी वाले घर जाना होगा। इस घर का मनोज अग्रवाल से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे संपर्क साधने की? चांद की मां के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगनी होगी। जिसने रिश्तों की जगह स्वार्थ चुना, उसके लाने हमारे मन में ना कोई सहानुभूति है और ना ही माफी। मुझे अपने मेहंदी वाले घर जाना होगा। अगर वो यहां आ गया तो उसे माफी नहीं, लानत और धक्के मिलेंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम मनोज? शादी के जस्ट बाद गए थे ना उनसे माफी मांगने। क्या हुआ था? घर में घुसने तक नहीं दिया उन लोगों ने तुम्हें। वो लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे मनोज। कोई पॉइंट ही नहीं है वहां जाने का। करेंगे अजंता, क्योंकि अब मौली मेरे साथ है। कुछ तो बात है इसमें। इसकी आंखों में जो सच्चाई है वो दिल जीत लेती है। बस एक बार जानकी माँ अपना आशीर्वाद वाला हाथ इसके सर पे रख दे तो इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोज ने धोखा देकर जो बेइज्जती की थी, न भूली हूं न भूलूंगी और ना ही किसी को भूलने दूंगी। रिटर्न में ले लो मुझसे। उनकी जिद के आगे ना मौली भी छोटी पड़ जाएगी। घर क्या मंदिर ही था वो, जहां हम चार भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह रहते थे। अक्कू, जानकी माँ, पापा, सबकी कड़वाहट का रीजन है मेरी गलती। मुझे अपने मेहंदी वाले घर जाना होगा। चांद की माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगनी होगी। पूरा बचपन तरसती रही कि कोई हो जिसे पापा कह सकूं। आज मुझे सब मिल रहा है। एक बार अच्छी तरह से सोच लो साइन करने से पहले। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी वजह से तुम्हारा मन बदला या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो देयर विल बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। पापा, मेरा दिल कह रहा है कि वो आपको जरूर माफ करेंगे। मैं चलूंगी आपके साथ। हम जाएंगे आपके मेहंदी वाले घर। ये पत्रिका भेजने का दम ज्योति अकेली नहीं कर सकती। 24 साल के बाद दिल का कौन सा पुर्जा ढीला पड़ गया था? काय के लाने भेजी अपने भाई को पत्रिका? जानकी माँ, मैं उन्हें सिर्फ ये जताना चाह रहा था कि वो किसी गलत फहमी में ना रहे। उनके बिना भी ये घर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। मजे में कर रहा हूँ मेरी की शादी। माँ, मैं उन्हें सिर्फ ये जताना चाहता था। कभी हाथी को देखा है गली से गुजरते हुए? 10 कुत्ते भौंकते हैं पर वो पलट कर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो ये पलट पलट कर देख रहे हो ना, जता नहीं रहे हो, बता रहे हो कि आज भी हमें उनसे फर्क पड़ता है और बस यही नहीं चाहते हम। पत्रिका में लिखी बातें मुझे नफरत और ताने कम, शिकायत और नाराजगी ज्यादा लगी। और शिकायत और नाराजगी तो हमेशा अपनों से की जाती है ना पापा? मतलब वो आज भी आपको अपना मानते हैं पापा। आप देखिएगा, आप जाएंगे ना, आपको जरूर अपना लेंगे। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए पापा, फिर हम चलेंगे।
आपके मेहंदी वाले घर। दुर्घटना कर दी तुमने, भुगतना तो पड़ेगा। ये जो किया है ना तुमने, समय आने पर इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। अब एक और है जानकी माँ के गुस्से में लिपटे दर्द की शक्ति, और दूसरी ओर मौली के निस्वार्थ प्रेम में लिपटे समर्पण की नरमी। अब देखिए, जब ये मिलेंगे तो नरमी भी छिल जाती है या शक्ति सुकून पाती है। What? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम अभी ये जॉब ज्वाइन नहीं कर सकती? Is there some kind of joke, Molly? तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? I'm sorry, sir, पर एक फैमिली इमरजेंसी है। अरे इमरजेंसी है तो दो दिन बाद ज्वाइन कर लो। डॉक्टर मौली, मैं इससे ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकता। ज्वाइन तो तुम्हें करना पड़ेगा। I'm really sorry, sir. पर मैं आपको ये कमिट नहीं कर सकती कि मुझे दो दिन लगेंगे या दो हफ्ते। डॉक्टर मौली, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि 200% श्योर हो जाना तभी यहाँ पे साइन करना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, तुम्हारी मेडिकल प्रैक्टिस भी बैन हो सकती है। जो होगा सर वो मेरी किस्मत, पर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर सकती। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है? This was your dream, तेरा सपना था ये मौली, और इतनी मेहनत कर कर आ गया ये, वापस जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। करियर जरूरी है नेहा, पर इस वक्त मनोज अंकल को उज्जैन ले जाने से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। क्यों? मनोज अंकल अकेले उज्जैन नहीं जा सकते क्या? और क्या गारंटी है कि उनकी फैमिली उन्हें माफ करेगी? माफी नहीं मिलेगी, ये ऑप्शन नहीं रखना नेहा। इसलिए तो मैं साथ जाना चाहती हूँ। मनोज अंकल ने आज तक मेरी हर विश पूरी की है, कभी कुछ नहीं मांगा। इतने सालों में एक विश मांगी है मुझसे, उन्हें उज्जैन उनकी फैमिली के पास लेके जाऊं। उनकी विश, उनकी खुशियां, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है नेहा। ये शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। अब आशने मेरी जिंदगी में वापस आ गई है। मैं जा रहा हूँ उसके पास। पापा, मैं चलूंगी आपके साथ। हम जाएंगे आपके मेहंदी वाले घर। रघु काका, सारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पापा, आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है। आप तो कुछ ही दिनों में सुपर फिट सुपर हिट हो गए। लीजिए। अजंता ने देख लिया तो? बिजी है, थोड़ा सा चख लीजिए। उज्जैन जा रहे नई शुरुआत करने, मुंह मीठा मन अच्छा करके चलेंगे। मुंह मीठा तो मैं अब तभी करूंगा जब जानकी माँ मुझे माफ करके ना तेरे सर पे आशीर्वाद वाला हाथ रख देंगे। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चेंज कर लेता। जी। मेहंदी था आपकी रस्म में, मेहंदी वाले घर की अपनी रस्म, जिसमें लड़की के पिता होने वाले दामाद को मेहंदी के थापे लगाकर उनका परिवार में स्वागत करते हैं। इस परिवार में एक पिता के लिए कन्यादान से भी बढ़कर होती है ये रस्म। खुशी का दिन तो है,
लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है क्योंकि आज ही वो दिन है जब जान की माँ अक्षय को सजा सुनाने वाली है। पत्रिका भेजते हुए तो हाथों में बहुत दम आ गया था, अब क्या हो गया? झपक झपक पीसो जल्दी। जी जी। जानकी, जाने दो, हो गई गलती। घाट पे जाके दामाद जी को अपने हाथ से मेहंदी लगानी अक्षय को। सब खुशी खुशी जाते हैं, मन क्यों खराब कर रही हो, अपना भी और अक्षय का भी, ताकि आगे चलकर ये मनोज जैसी कोई गलती ना करे। जिस चीज की गारंटी नहीं ले सकती उसका प्रॉमिस तुमने क्यों किया मौली? कितनी बार तुम्हें समझाया कि मनोज को उज्जैन ले जाना इज अ बैड आइडिया। वो लोग नहीं करेंगे मनोज को माफ। अब जब डिसाइड कर लिया है उज्जैन जाने का तो अच्छा अच्छा सोचिए ना मम्मा, पापा का बहुत मन है वहां जाने का। मौली डॉक्टर हो ना तुम, तुम्हें पता होना चाहिए कि पेशेंट का ट्रीटमेंट उसके मन से नहीं मेडिसिन से होता है। ट्रस्ट मी मानस, पापा के लिए उज्जैन जाना मेडिसिन जैसा ही होगा। मैंने देखा था कैसे ऑपरेशन के टाइम उनके बॉडी ने मेहंदी की पत्ती पर रिएक्ट किया था, और सर्जरी के बाद फैमिली के बारे में बात करते हुए उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, और आज आज भी ही इज सो हैप्पी मानस। एक्सक्यूज मी, हम्बल रिमाइंडर, उनका असली बेटा मैं हूं, तुम नहीं। पापा की टेंशन तुम मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। और ये अनलिमेंट के पेपर्स से साइन कर दो प्लीज, इसके बाद हमारी शादी कैंसिल, ये रिश्ता भी लीगली खत्म कर देते हैं, उसके बाद तुम फ्री और हैव अ ग्रेट लाइफ। बहुत लकी लकी तुम, होने वाला लाइफ पार्टनर जब आपका दोस्त हो जिसे आप सालों से जानते हो तो एंजाइटी नहीं होती, सब कुछ कितना इजी हो जाता है ना। मेरा सपना सच होने जा रहा है, मेरा अपना घर होगा, अपना परिवार, पापा मम्मा पति सब कुछ, अब से कभी कोई मुझे अनाथ कहकर नहीं बुलाएगा। मानस के जाने को बहुत बड़ा इश्यू मत बनाओ, क्योंकि जितना बड़ा बनाओगे मनोज की रिकवरी उतनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों को शादी की पहली पत्रिका भेजकर तुमने अपशकुन कर दिया है अक्षय, तो आप दामाद जी को मेहंदी थाप की रस्म तुम नहीं करोगे, नन्हे भैया करेंगे। जानकी, बेटी के लिए मेहंदी थाप करना पिता का हक है, यह हक अक्षय से मत छीनो। माफ कीजिए भैया, आपकी बात हम काटना नहीं चाहते, लेकिन पिता का हक पाने के लिए बेटे का फर्ज भी निभाना पड़ता है। जानकी, हम सभा समाप्त। देखो मौली, पापा ने तुम्हें इंडिपेंडेंट तो बना दिया ना,
तुम कहीं भी जा सकती हो, किसी भी शहर, कोई भी हॉस्पिटल, कहीं भी। तुम्हें पता कि जब तक तुम यहां रहोगी ना, पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छी खासी फैमिली क्यों खराब करना चाहती हो? ने कहा कि आप अकेले हो। मैं और आपके पापा बेस्ट फ्रेंड थे ना, वो आपको मेरे पास छोड़कर गए हैं। तो फिर आज से मैं आपका पापा बनके आपके साथ आपका घर बनाऊंगा। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब ना ये घर टूटेगा ना ये रिश्ता। मानस, तुम्हें पता है ये क्या है? प्लीज स्टॉप दिस इमोशनल अत्याचार मौली, जस्ट साइन एंड गो। पापा का असली बेटा मैं हूं, तुम नहीं। बेटे हो तो करोगे उनकी विश पूरी, ले जाओगे उन्हें उज्जैन उनकी फैमिली के पास? बिल्कुल भी नहीं। और पापा के सर पे जो फितूर चढ़ा है ना उज्जैन जाने का, उनको मैं संभाल लूंगा। आई विल हैंडल हिम। क्योंकि उनकी विश पूरी करना तुम्हारी प्रायोरिटी है ही नहीं मानस। सिर्फ बेटा बोल देने से बेटा बन नहीं जाते, रिश्ता निभाना पड़ता है। मौली, मेरे नालायक बेटे के लिए ना तुझसे अच्छी लड़की दिया तो क्या, सर्जिकल लाइट लेकर भी जाऊंगा ना ढूंढने के लिए तो नहीं मिल सकती। शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। मैं मौली के साथ रहकर जिंदगी भर खुद को टॉर्चर नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं उसके पास। खुद भले कितनी टूट जाओ पर ये रिश्ता कभी नहीं टूटने दूंगी। आज अगर कुछ टूटेगा तो उस रिश्ते की गलत फहमी, जो शायद कभी बना ही नहीं। तुम्हारा पता नहीं है ना, पर मेरे पापा ने जो मुझसे विश मांगी है मैं वो पूरी करके रहूंगी मानस। मैं उन्हें उज्जैन ले जाकर रहूंगी। ठीक है मौली, अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुम्हें मेरी भी एक शर्त माननी होगी। वहां जाकर सबके सामने ये रोना मत रोना कि मानस तुम्हें छोड़ के चला गया है। वहां जाकर ये विक्टिम कार्ड प्ले करके ना प्लीज मुझे और मानस को विलन मत बनाना। ठीक है मम्मा, मैं पापा से भी नहीं कहूंगी कि मेरे और मानस के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। उन्हें पता चलेगा तो उन्हें भी शॉक लगेगा, उनकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं होगा। एक बात और, ये जो तुमने झूठी उम्मीद दी है ना मनोज को, वहां जाकर उसे माफी मिल जाएगी, पर अगर वो माफी उसे नहीं मिली और अगर मनोज को कुछ हुआ तो तुम्हें भी मनोज से अपना रिश्ता तोड़ना होगा। प्रॉमिस मी मौली, अगर तुम मनोज को उज्जैन के घर में माफी नहीं दिला पाई तो तुम ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओगी। मौली कहाँ है बेटा, उज्जैन चल रहा है कि नहीं? हाँ पापा, चलना है ना, जरूर चलना है।
मुझे आपकी शर्त मंजूर है। नन्ने नन्ने उठ, सुबह हो गई। अरे मेहंदी थाप रस्म से पहले हमें शिप्रा मैया में स्नान करना है, चल। आर्या। हाँ। एक बार सांस लेना भूल जाए लेकिन इसे नहीं भूलेगा तू कभी। नन्ने, हमें ना रोज कोई एक शुभ काम करना चाहिए। तो तू अपनी जानकी भाभी माँ से बात कर, उसे समझा कि आज घाट पे मेहंदी की रस्म अक्षय को करने दे। नहीं भैया, कतई नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि अक्षय को उसके किए की सजा मिले। जानकी माँ अपना दिल हथेली में लिए घूमती है सबके लाने, और जो प्यार करता है ना भैया, उसे सजा देने का अधिकार भी होता है। नन्ने, तूने आज की ताजा खबर पढ़ी है? सरकार ने तुझे अपनी जानकी भाभी माँ का चमचा घोषित कर दिया। भैया मजाक की बात नहीं है, मुझे तो चिंता हो रही है। अक्षय की गलती से घर में कोई नया बखड़ा ना खड़ा हो जाए। मैं मौली को पहले जानती नहीं थी, पर अब जान गई हूँ तो बड़ी अपनी अपनी सी लगी। मेहंदी वाले घर में आ जाए तो ऐसे घुल जाएगी जैसे दूध में शक्कर। पर जानकी माँ की इतने सालों की नाराजगी मनोज को भारी ना पड़ जाए। कृपा करना राम जी। आ गया मैं उज्जैन, मेरे घर। यहाँ मेरी बचपन की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। विजो, पागल हो गया क्या यार? एक ट्राय तो बनता है ना यार, क्या बोलते हो? अब क्या ये मन्नू, तुझे तो डॉक्टर बनना है ना? हाँ। तो फिर ये मरीज बनने वाले काम क्यों कर रहा है? वो बोलना। हाँ, अरे अजू भैया आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना, मनु ने सोचा कि वो एक बार ट्राई कर लेगा ताकि वो पेशेंट्स को बता सके कि ये कंबक सिगरेट जो है ना कितनी खराब चीज है। क्यों है ना मनु? करेगा ना? एग्जैक्टली। तो ठीक है, तो फिर मैं जानकी माँ को बता देता। अरे नहीं दादा, आप भी जानकी माँ को बीच में लाने की क्या जरूरत है? चुगल खोटा भाई आ गया। अक्षय, जानकी माँ वो लोग छुप छुप के सिगरेट पीने का प्लान बना रहे थे, मैंने मांगी फेंकने के लिए तो मुझे डांट के भगा दिया। काहे बोलो बो रहे? जानकी माँ, ये गंदी चीज तुम्हारे हाथ में? माँ, इनकी है। कहाँ गए? इनकी है? हाँ, आज के बाद ये गंदी चीज तुम्हारे हाथ में देखी ना तो चमगादड़ के साथ ना पीपल के पेड़ पे टांग देंगे। हम थोड़े पी रहे थे, हम तो बुझा रहे थे। हाँ तो बुझाओ ना, फिर बुझाओ। है का, भागो से मिलता, स्वर्ग का है।
24 सालों और कई मीलों का फासला तय करके आखिरकार मौली मनोज को उज्जैन ले आई और मनोज की मंजिल उसका परिवार उसके सामने है। कहने को चंद कदमों का फासला है बस, पर दिलों के बीच लंबी दूरी का सफर क्या ये तय कर पाएंगे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.